देश में राष्ट्रपति चुनावों को लेकर जोर शोर से चर्चा हो रही है। 18 जुलाई को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही ऐसा लग रहा है जैसे ये तय हो गया है कि अगला राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से विपक्ष भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में एकजुट हो रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि देश की अगली राष्ट्रपति मुर्मू ही हो सकती है। आपको बताते चले, एनडीए की तरफ से महिला आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा गया है, जिनकी छवि बिल्कुल साफ है। वो आदिवासी लोगों के लिए हमेशा से आवाज उठाती रही हैं। झारखंड की राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने जनहित में बहुत काम किए। पिछले काफी सालों से वो जनता की समस्याओं को सुन रही हैं। ऐसे में उनके जीतने के चांसेस पहले ही ज्यादा थे, और अब जिस तरह से विपक्ष ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, वो इस बात की पुष्टि करता है। सोचिए, जिस बीजेपी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को उखाड़ फेंका, वो उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के इस दाव के आगे फेल साबित हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है कि शिवसेना मुर्मू को ही समर्थन देगी। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को समर्थन देने वाले दलों की वोट हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। यूपीए की तरफ से मैदान में उतारे गए यशवंत सिन्हा की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि जिनसे वो समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि सिन्हा को अपना नाम पीछे खींच लेना चाहिए या फिर पहले ही अपनी हार मान लेनी चाहिए। सोचने वाली बात तो ये है कि दो भागों में बटी शिवसेना मुर्मू के नाम पर आकर एक हो रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि शिवसेना बिना किसी दबाव के मुर्मू के समर्थन की घोषणा कर रही है। ठाकरे ने कहा, मैं अपना रुख स्पष्ट कर रहा हूं। मेरी पार्टी के आदिवासी नेताओं ने मुझसे कहा है कि ये पहली बार है कि किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। उनके विचारों का सम्मान करते हुए हमने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का निर्णय किया है। दरअसल वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए मुझे उनका समर्थन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बीजेपी की उम्मीदवार है, लेकिन हम संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं है। महाविकास अघाड़ी सरकार में ठाकरे की सहयोगी कांग्रेस ने कहा, शिवसेना का फैसला समझ से परे है। बता दें, विपक्ष के मुर्मू के समर्थन में आने के बाद अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव से पहले ही मुर्मू जीत चुकी हैं। बहरहाल आपको बता दें, सिर्फ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि खुद मुर्मू भी अपने लिए समर्थन मांग रही हैं। वो व्यक्तिगत तौर पर विपक्ष के कई नेताओं को फोन कर चुकी हैं। उनकी सादगी से प्रभावित होकर हर कोई उनके समर्थन में आगे आ रहा है। बहरहाल आपके हिसाब से देश के राष्ट्रपति के तौर पर क्या मुर्मू सही होंगी? क्या यशवंत सिन्हा का रेस से बाहर हो जाना देश हित में साबित होगा? आपका इस खबर पर जो भी कहना हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।